हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा अलियास खान, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूं यार, जो आज इतने टाइम के बाद मैं एक व्लॉग लेके आया हूं आप लोगों के लिए। दरअसल टाइम नहीं मिला यार, काम थोड़ा बढ़ गया था मेरा, तो उस वजह से मैंने क्या किया कि वीडियो बना नहीं सका। उसके लिए रियली सॉरी। मुझे पता था कि ऐसे यार टाइम बहुत हो गया, लगभग 4-5 दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं डाला यार। उसकी जो मेन वजह थी वो ये थी कि थोड़ा काम मेरा बढ़ गया है, उस वजह से नहीं निकल ही नहीं पाया मैं कहीं बाहर। तो आज एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ। रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो यार। ईद पे भी मैं व्लॉग नहीं बना सका, उसकी भी खास वजह यही थी कि ऐसे यार ईद पे मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा कफील के साथ, उसके फैमिली के साथ, तो उस वजह से मैं बना ही नहीं सका, व्लॉग ही नहीं बना सका, तो उसके लिए भी रियली सॉरी। मैंने सोचा था कि ऐसे इंशाल्लाह ईद पे ज़रूर मैं एक नया व्लॉग लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, लेकिन नहीं ला सका, उसके लिए रियली सॉरी। तो इस टाइम सऊदी अरब में शाम के 6 बज रहे हैं, तो मैं आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग लेके। ये मेरे पीछे एक सूक है, साको नाम है इसका। मैं हायल में हूँ इस टाइम, अभी तक मैं हायल में ही हूँ। तो ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये हमारा, इसका नाम साको है, ये सूक है। मैं आपको दूसरा कैमरा खोल के दिखाता हूँ, ये मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ। ये सूक है, इसका नाम है साको। बहुत ही तगड़ा मॉल है यार, ये बहुत ही बड़ा, मतलब मैं बता नहीं सकता ये कहाँ से वहाँ से शुरू होता है, उधर से वो ये शुरू होता है वहाँ से, तो लगभग देखो उधर वहां पे खत्म होता है, वहां पे खत्म होता है। तो साको नाम है इसका। अच्छा, इसको साको वर्ल्ड भी बोलते हैं। इतना बड़ा मॉल है ना यार ये सऊदी अरब में, इतना बड़ा मॉल है कि यार इसमें आपको जो घर के मतलब चीज़ें हैं ना, घर के मुताबिक, जैसे कि होम मेड की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे किचन का सामान हो गया, गार्डन का सामान हो गया, और गाड़ियों का सामान हो गया, बाकी हथियार वगैरह मिलेंगे इसमें आपको, लोहे का सामान हो गया, बहुत ही मतलब बहुत बहुत तगड़ा मॉल होता है ये सऊदी अरब में। आपको हर एक जगह पे मिलेगा, जद्दा में मिलेगा, मक्का में, हर एक जगह पे आपको ये मिलेगा। इसको साको वर्ल्ड भी बोलते हैं। जो रियाद में है तो उसमें उसका नाम साको वर्ल्ड है, मतलब वर्ल्ड का बहुत बड़ा मॉल है ये। मैं आपको लेके चलूँगा अभी थोड़ी देर में अंदर, आपको दिखाऊँगा अंदर से। तो इसमें आपको सारी चीज़ें, मतलब कपड़े बूट वगैरह नहीं मिलेंगे, होम मेड सारी चीज़ें मिलेंगी, जितनी भी होम की चीज़ें हैं वो सारी आपको मिलेंगी इसमें। यहाँ पे ये बर्गर किंग है, ये भी इसके साथ में है। तो चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेके चलता हूँ मैं आपको मॉल के अंदर, तो दिखाते हैं आपको मॉल के अंदर का नज़ारा। हम लोग जो यहाँ पे बाहर जब आते हैं ना, तो यहाँ से जब छुट्टी घर जाते हैं, सऊदी अरब से, कुवैत से, दुबई से जब घर जाते हैं, तो शॉपिंग वगैरह करते हैं ना, तो ऐसे ही बड़े बड़े मॉलों में से शॉपिंग करते हैं। मतलब हमारे दोस्त यार जो हैं तो वो पूछते भी हैं हमें कि ऐसे यार ये जो आपको सामान मिलता है तो ये कहाँ से मिलता है। उसी लिहाज से मैंने ये व्लॉग बनाया। एंट्रेंस है यहाँ से, एक भाई बैठे हैं सिक्योरिटी के, अस्सलाम वालेकुम। आगे हम ये सूप के अंदर, यार क्या बताओ आपको, ये सूप का जो है ना मसला, क्या बताओ, देखो है यार, ये YouTube चैनल है मेरा, तो आज मैंने इसी का व्यू करवाना है इसी का व्यू करवाना है। ये एक भाई है मेरा, क्या नाम है आपका? राकिब हसन। राकिब कहाँ से हो? बांग्लादेश। बांग्लादेश से है ये, बांग्लादेश से है यहाँ पे, तो इधर ही काम करते इसी सूप में, साको में। ओके, थैंक यू। तो दिखाता हूँ मैं आपको सब यार। घर का सामान जो है, ये डाइनिंग टेबल वगैरह, चेयर्स, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ ना तो मुझे खुद देख के तो बड़े शौक चढ़ते हैं कि ऐसे मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़। तो देखो यहाँ पे ये आपको मशीनरीज गाड़ी की मिलेंगी सब, ये सब गाड़ी की मिलेंगी। ये वैक्यूम है सारे वैक्यूम है। तो देखो इनके प्राइस, देखो मेड इन इटली के हैं सारे प्राइस, देखो ये 1539 रियाल की,
ये मशीनरीज यहाँ पे, घर का सामान जो है आपको घर का सामान मिलेगा इसमें, ये फैंस वगैरह, मतलब कोई भी चीज, कोई भी मसला ना आपको अपने गार्डन के लिए। ये सामने आपको दिखाई दे रहा ना हैंड एंड पावर टूल्स, ये आपको ये गार्डन के लिए, मतलब कोई भी आप, कोई भी चीज ए टू जेड, कोई चीज भी अगर आपको मिलेगी तो वो साको में 110% मिलेगी यार, 110% है वो। ये सब कुछ, ये ड्रिलिंग मशीनें, जो लोग यहाँ से सफर जाते हैं ना बेचारे घर में, तो ये ड्रिलिंग मशीनें वगैरह जिनको कंपनीज की चाहिए तो वो यहाँ से लेते हैं। ये जो साको है तो मुझे लगता है शायद ये सऊदी अरब में आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, रियाद में, जद्दा में, हर एक जगह पे आपको ये साको मिलेगा। रोजमर्रा जिंदगी में मतलब इंसान को तो इन चीजों की जरूरत पड़ती ही रहती है। सारी चीजें आपको यहाँ पे मतलब मैक्सिमम आपको ये जो लोहे का काम करते हैं वो सामान मिलेगा, गाड़ियों का सामान मिलेगा। देखा सारा ए टू जेड। अच्छा यहाँ पे कुछ ये बैग्स वगैरह, ये बैग्स, अच्छा ये चीजें जो है ना, ये चीजें तो हमेशा इंसान को जरूरत लगती है अपने घर में। देखो ये तो हमेशा इंसान क्या करता है कि अपने घर में जरूरत उनको लगती है। लेकर चलता हूं मैं आपको थोड़ा सा आगे। अच्छा यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो यहाँ से सऊदी अरब से सामान जो लोग घर में बेचते हैं ना, ये लोहे का सामान, तो ऐसे ऐसे मॉल्स में वो क्या करते हैं कि शॉप करते हैं, अपने अपने घर में बेचते हैं। देखो क्या बताऊं यार, मतलब इस सूख के अंदर मैं आता हूं ना तो इतना शौक चढ़ता है कि ऐसे यार मैं ये वाली चीज भी लूं, ये भी लूं, ये भी लूं, इतना शौक चढ़ता है। तो वैसे शौक इतने रखने नहीं चाहिए पैसा वेस्ट होता है, चलो जिंदगी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो है ना, ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड है तो ये एरिया के बारे में बताते हैं कि इस एरिया में आपको है तो पेंट एंड सीनरीज का जो है ना, सीनरीज का आपको सामान मिलेगा। वो जो है बोर्ड है वो, वहाँ पे टॉयज मिलेंगे आपको, खिलौने वगैरह मिलेंगे। अच्छा वो पूल्स है वो, तो वो मिलेगा हार्डवेयर का सामान, स्पोर्ट्स का और इक्विपमेंट का, वो सामने ये बोर्ड लगे हुए हैं क्योंकि बड़ी सूख है ना। इसमें क्या होता है कि ऐसे यार घूम के तो इंसान ढूंढ नहीं सकता है, ये इक्विपमेंट, ये स्पोर्ट्स का सामान है, ये जिम स्पोर्ट्स का है जो, ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा। हाँ 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 यार देख के मजा आ गया यार, बाय गॉड। मैं यहाँ पे आता हूँ क्या करने के लिए कि कुछ सामान लेने के लिए, थोड़ा थोड़ा सामान लेता रहता हूँ मैं भी घर में, कार्गो करता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा सा, तो मैं इसी सूख में से लेके तो कार्गो करता हूँ। इधर आपको जो है तो जिम का सामान मिलेगा, ये देखो ये डंबल्स वगैरह पड़े हैं यहाँ पे, ये सब कंपनीज का माल है यार, मेड इन इटली आपको मिलेगा या जापान मिलेगा आपको, मतलब लोकल चीज आपको कोई नहीं मिलेगी, मेड इन इटली और जापान, ये दो चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी, चाइना वगैरह ये सब बकवास, ये नहीं मिलेगा आपको यहाँ। अच्छा ये साइकिलें लगी है यहाँ पे सामने, ये साइकिलें लगी है। अच्छा यहाँ पे ये साइकिलें लगी हैं और यहाँ पे ये राइडिंग का सामान लगा है साथ में, जो जो बॉयज एंड गर्ल्स जो राइडिंग करते हैं बेचारे, उनको हेलमेट की जरूरत पड़ती है, और ये सेफ्टी गार्ड, ये जो सेफ्टीज है उनकी जरूरत पड़ती है, ये थाइस पे लगाते हैं, घुटने पे लगाते हैं वो। तो अच्छा लेके चलता हूँ मैं आपको दूसरी साइड आगे। यहाँ पे गार्डन का सामान मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट, ये शौक चढ़ जाता है बाय गॉड यहाँ पे आके। ये मेरे पीछे देखना, ये जो है ना तो ये गार्डन का माल है सारा, जो मतलब गार्डन में अपने घर में ये पौधे वगैरह ये सब लगाते हैं, ये सब देख के तो बहुत शौक चढ़ जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यार ये पौधे आप देखोगे ना, मतलब ऐसे रियलिटी में आपको लगेगा, आपको देख के लगेगा कि ये आर्टिफिशियल नहीं है, ओरिजिनल है। देखो ये एप्पल है, ये भी आपको आर्टिफिशियल नहीं लगेगा, ओरिजिनल लगेगा।
यहाँ कितना जबरदस्त लग रहा है। सारी बात पैसे की है यार, पैसा होता है तो इंसान अपने शौक भी सारे पूरे करता है। तो चलो, सऊदी अरब में यार लाइफ स्टाइल जो सऊदी अरब का है तो उनके मुकाबले हम कहाँ हैं यार। हमारे साइड के जो है जो बड़े बड़े हॉलीवुड के बॉलीवुड के एक्टर हैं ना, तो वो कुछ भी नहीं, इनके सामने जीरो है। जितना ये एक दिन का खर्चा कर लेते हैं तो उतना कुछ सोच भी नहीं सकता। सऊदी अरब में अल्लाह का करम है यार, यहाँ पे जो है ना तो अल्लाह का करम है, अल्लाह के रसूल की दवा है सऊदी अरब में। देखो अल्लाह के रसूल की दवा है सऊदी अरब में। जो सऊदी अरब में जिस तरह के लोग, सऊदी अरब में लाइफस्टाइल है उनका, तो उस तरह कोई सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देख लो तो उस तरह का लाइफस्टाइल किसी का नहीं हो सकता है, क्योंकि पैसा है, सारी बात पैसे। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़। ये भी अपने गार्डन में यहाँ पे लगे होते हैं, सऊदी अरब में जितने भी गार्डन है उसमें ये लगे होते हैं। ये झूले, झूला मान लो, कुर्सी मान लो, कुछ भी मान लो, आप ये लगा रहता है इसमें। मैक्सिमम यहाँ पे आप किसी का भी मतलब आंगन में, सऊदी अरब में जितने भी यहाँ के लोकल है ना लोग, उनके आंगन में आगे पार्क होती है, उस पार्क में ये चेयर्स लगी मिलेंगी आपको, ये झूला ये आपको लगा मिलेगा। और यहाँ की चीजों की गारंटी है यार, जल्दी वो ना ही तो खराब होगी तो ना ही वो जल्दी खत्म होगी, जो यहाँ की चीजें। अच्छा मैं आपको ले चलता हूँ आगे, यहाँ पे कुछ लेडीज भी है ना, तो इसलिए यार थोड़ा शूट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। हाँ मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको किचन की जो है ना तो सारी मशीनरीज मिलेंगी। ये किचन का सामान है। अच्छा मैंने यहाँ पे सऊदी अरब में सुना है कि यहाँ के जो राइस कुकर होते हैं ना, ये उनकी जो है लाइफ बहुत होती है यार। यहाँ के जो राइस कुकर है उनकी बहुत ही लाइफ होती है। देखो ये मान के चलो, ये वाला राइस कुकर है, ये 219 रियाल का है, मतलब इंडिया के 4000 का, शायद 2 लीटर का होगा, मुश्किल से 2 लीटर का होगा। अच्छा मैं और भी आपको यहाँ पे राइस कुकर दिखाऊंगा। ये राइस कुकर है 40000। अब इसमें क्या खासियत है, क्या खूबी है, वल्लाह बेहतर जाने, लेकिन यार 40000 का है ये वाला राइस कुकर किचन का सामान, कैमरेज। अच्छा ये घड़ियां वगैरह इस यहाँ पे लगी हैं, ये घड़ियां लगी हैं। उफ मेरे अल्लाह यार, मान के चलो कि यार लग्जरी लाइफस्टाइल होती है ना, बस वो यहाँ से, यहाँ मतलब माल वही लेता है बेचारा जिसके पास पैसा है, और पैसा सऊदी लोगों के पास बहुत है। हम लोग शॉपिंग करते हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी कर करके तो कार्गो बेचते हैं घर में, जैसे कंबल हो गया, बिस्तर वगैरह, ये सामने लगे, मैं आपको बताता हूँ। ज्यादा तो यार हम शॉपिंग कहाँ कर सकते हैं यहाँ से, थोड़ा थोड़ा। मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ आपको, मैं क्या करता हूँ कि ये लगे ना, ये बिस्तर लगा है, देखो ये सामान मैं कार्गो करता रहता हूँ, ऐसा मारिए। ये क्या है कि रजाइयां हैं, बेडशीटें हैं, कंबल हैं, थोड़ा थोड़ा मैं क्या करता रहता हूँ कि कार्गो करता रहता हूँ। ये भी रजाइयां लगी हैं सामने, ये रजाइयां हैं, और सऊदी अरब का कंबल और रजाइयां जो हैं तो उनकी डिमांड बहुत रहती है, हर लोग उसको पसंद करता है। 185 रियाल की है ये रजाई, 185। देखो सामान के ऊपर भी आपको लग्जरी जो है तो लिखा हुआ मिलेगा। ये बात है यार, थोड़ा लेके चलता हूँ मैं आपको, दिखाते दिखाते में वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है,
वो उसका उसकी वजह ये है कि एरिया बहुत बड़ा रहता है ना, तो उस वजह से मैं क्या करता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि सब कुछ आपको देखने को मिले, सब कुछ देखने को मिले। साको नाम है इसका, ये जो साको है तो ये सूक मिसाल के तौर पे आपको सऊदी अरब में हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, रियाद में मिलेगी, जद्दा में मिलेगी, मक्का में मिलेगी, मदीने में मिलेगी। साको बस SACO साको, ये मान के चलो बस। तो मैं आया था सामान खरीदने के लिए, अभी खरीदा नहीं है। मैंने सोचा पहले थोड़ा आपको मैं व्यू करवा लेता हूँ, क्योंकि काफी टाइम हो गया मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया, तो उस वजह से चलो व्लॉग भी हो जाएगा छोटा सा आपके लिए, तो आपको देखने को भी मिल जाएगा, आपको देखने को भी मिल जाएगा। तो ये देखो ना, ये बेड एंड बाथ ये लिखा हुआ है कि इस एरिया में आपको जो है तो सोने का सामान मिलेगा और बाथरूम का सामान, नहाने धोने का सामान मिलेगा। ऐसे मतलब ऐसे यहाँ पे आपको चीज ढूंढने से नहीं मिलेगी, आप इनको ये हाउसवेयर से देखो, ऐसे आप ये बोर्ड पढ़ के ना तो आपको पता चलेगा ये हाउसवेयर है, यहाँ पे आपको जो है तो ये किचन का सामान मिलेगा, घर के मामले में मतलब यहाँ पे आपको जो है तो सारा सामान मिलेगा इस सूक में यहाँ पे अंदर। उस लिहाज से क्या है कि इन बोर्ड के ऊपर पढ़ के तो फिर इंसान क्या करता है कि चीजें ढूंढता है, ऐसे घूम घूम के या पूछ पूछ के वो बड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। टाइम हो गया काफी, वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई है, तो मुझे भी कुछ जो सामान लेना था तो वो भी मैंने ले लिया है। तो देखे चलता हूँ मैं आपको बाहर, उम्मीद करता हूँ कि आज से आपको वीडियो जो है तो पसंद आई होगी, निकलने का रास्ता यहाँ से। तो काफी टाइम के बाद यार आज व्लॉग बनाने का टाइम लगा मुझे, वो भी सामान खरीदने के लिए आया था, उसके लिए रेली सॉरी, सामान खरीदने के लिए आया था। तो मैंने सोचा चलो क्या करता हूँ कि एक तो शॉपिंग भी हो जाएगी मेरी और ऊपर से थोड़ा छोटा सा व्लॉग भी बन जाएगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करता रहूंगा मैं कि ऐसे दिन ब दिन जो है तो मैं एक नई वीडियो लेके आया करूं, लेकिन टाइम नहीं मिलता, सारी बात है टाइम की। थोड़ा काम बढ़ गया, काम ऐसे बढ़ा कि ऐसे एक दो ड्राइवर जो हैं तो वो चले गए छुट्टी, वो छुट्टी चले गए तो उनका काम भी मुझे ही देखना पड़ता है, जब तक वो आ रहे हैं तो इसका उनका काम मुझे ही देखना पड़ता है। तो चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह रहम करेगा, ऐसी बात नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो का करते हैं एंड, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद रखना। एक इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।